कोविड से लड़ने के लिए हम लोग की जो ये लड़ाई है ये लगातार जारी है, और हम सभी को जो गाइडलाइंस दी गई हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क लगाने की, हाथों को साफ रखने की, ये हमें लगातार करनी होगी। इसके अलावा आज की डेट में डॉक्टर्स ने ये बात कही है, साइंटिस्टों ने भी ये बात कही है, प्रशासन भी यही बात दोहरा रहा है कि टीका आज की डेट में एकमात्र हमारे हाथ में औजार है इससे बचने का, और टीका वाकई में प्रभावी है। मैंने भी जब पहले दिन यहाँ पर टीका लॉन्च हुआ था तो मैंने भी पहले दिन टीका लगवाया था, कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं हुआ, और शायद यही कारण है कि आज तक अभी तक हम लोग कोरोना से बचे हुए हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे मध्यपुरा पुलिस डिपार्टमेंट में तकरीबन 1100 लोग हैं, एक चौकीदार से लेके अधिकारी वर्ग तक। हमने सभी को वैक्सीन के दोनों डोज समय पर लगवा दिए थे। हमने पूरा जो पिछला एक महीना है कोरोना का उससे जम के लड़ाई लड़ी, हमने अपनी ड्यूटी भी की और अपने परिवारों को भी देखा। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था हमारा पुलिसकर्मियों में जिसे हॉस्पिटल जाना पड़ा हो या जिसकी स्थिति गंभीर हो। कुछ लोगों को पॉजिटिव हुआ था लेकिन वो घर पे ही बड़ी जल्दी ठीक हो गए। हमने डॉक्टरों से भी बात की तो उन्होंने बताया कि चूंकि सभी को टीका लग गया था तो सभी में रोग के लिए प्रतिरोधात्मक क्षमता पहले से डेवलप थी। तो ये इस बात का जीता जाता सबूत है कि वैक्सीन काम कर रहे हैं, वैक्सीन प्रभावी हैं। मेरी आप सभी से गुजारिश है सभी लोग जल्दी से जल्दी और समयबद्ध तरीके से अपने आप को टीका लगवा लें, और अपने आसपास भी ये बात बोलें कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने टीका ना लगवाया हो। हमें आने वाले भविष्य में यदि कोई लहर आती है तो उसके लिए भी तैयार रहना होगा। डॉक्टरों का, साइंटिस्टों का ये मानना है यदि जल्द से जल्द पूरे देश में सभी को टीका लग गया तो ये कोरोना हो सकता है कि फिर भूतकाल की बात हो जाए। धन्यवाद।